हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल। वैल्यूएशन स्कूल के फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज के इस पर्टिकुलर सेशन में अब हम रियली स्टार्ट करेंगे प्लॉटिंग आर नंबर्स इनटू आर फाइनेंशियल मॉडल। इस सेशन में एंड तक बने रहना इफ़ यू वांट द रियल लर्निंग। मैंने ये चीज़ महसूस करी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुराने वीडियोज़ ज़रूर देखे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस को लाइक नहीं किया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स हाउ द यूट्यूब एल्गोरिदम वर्क। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियोस इफ़ यू रियली लाइक इट एंड कंसिडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स इफ़ यू रियली फाइंड इट यूजफुल। बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, और अगर आप ये सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द अदर थ्री सेशंस, क्योंकि वहाँ की जो लर्निंग्स है वो मैं इस पर्टिकुलर सेशन में पूरा का पूरा अप्लाई करूँगा विदाउट यू नो गोइंग फ्रॉम द वेरी बेसिक इन टर्म्स ऑफ फॉर्मैटिंग, इन टर्म्स ऑफ सेटिंग, इन एवरीथिंग। एंड ये पर्टिकुलर सेशन में द ऑब्जेक्टिव विल बी दैट हाउ वी प्लॉट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टू द एक्सेल एंड वी विल ऑल्सो परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस। इसके बाद वाले वीडियो में वी विल गो डीप डाइव इन टू फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी। सो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा अभी जो एक्सेल मेरे सामने ओपन है, पूरी ब्लैंक एक्सेल ओपन है। मैंने ऑलरेडी कोई शीट या कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई रियली वांट कि आप पूरा स्क्रैच से इसको बनाना सीखो। जब मैं पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर दूंगा या पूरा का पूरा मॉडल यहाँ पर आज के सेशन का कंप्लीट कर दूंगा, देन आई विल डेफिनेटली पुट दिस पर्टिकुलर शीट इन द लिंक सो दैट यू नो यू कैन रेफर इट वाइल परफॉर्मिंग योर ओन एक्सरसाइज। ओके, आई विल हाईली रिकमेंड यू If possible, start doing along with me। अगर आप ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हो प्लीज़ मत देखो, लैपटॉप पे देखो। अगर अभी टाइम नहीं है सेव एज लेटर करके रखो, बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ क्या करना है ना, मुझे आज ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं टाटा मोटर का एग्जाम्पल लेके अपने को हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स प्लॉट करने से फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन ये है कि मैं टाटा मोटर्स के पिछले 5 सालों के बैलेंस शीट, पीएनएल या एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करूं और एक एक करके मैनुअली पंच करूं। दैट इज़ ऑप्शन नंबर वन। ये करने में ही आधे लोगों के हिम्मत हौसले टूट जाएंगे। सारा फाइनेंशियल मॉडलिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो एक वो सब जबा के ना सब तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, वो काम करना नहीं है, बहुत स्मार्टली काम करना है। उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है स्मार्ट वर्क करने के लिए। ठीक है, बट मैं उसमें से भी स्मार्टेस्ट वर्क करूँगा। सो ऑप्शन नंबर वन इज, सबसे पहले आपको screener.com पे जाना है। आई होप ये वेबसाइट के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ अच्छे से इसको देखो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर यू नीड टू बी लॉग्ड इन, आपका लॉग इन होना ज़रूरी है। देन सर्च फॉर टाटा मोटर्स। जब आप टाटा मोटर्स पे सर्च करोगे तो ये आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसकी पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स दे देगा। व्हाट इज प्रोज, व्हाट इज कॉन्स एंड व्हाट नॉट। नाउ विल कम डाउन। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के यहाँ पीडीएफ्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे फॉर द क्वार्टरली रिजल्ट। मुझे क्वार्टरली रिजल्ट पे अभी इतना टेंशन नहीं लेने का है, मैं और नीचे आऊँगा। आई विल कम ओवर हियर। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका एनुअल रिपोर्ट्स करके एक सेक्शन आपको मिलेगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डाउनलोड दिस पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट एंड मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा यहाँ पर। ओके, आई जस्ट डाउनलोड इट। सो वंस दैट इज बीन डन, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल गो अप एंड आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑप्शन दिख रहा है, मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी यहाँ डाउनलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे दिखेगा कि टाटा मोटर का कुछ कुछ डाउनलोड हो गया है। वो कुछ क्या डाउनलोड हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। सो दैट कुछ इज नथिंग बट योर डेटा शीट। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर वन इसका जो एनुअल रिपोर्ट हमने डाउनलोड किया उस पर चलते हैं। सो माय एनुअल रिपोर्ट इज बीइंग डाउनलोडेड ओवर हियर, दिस इज माय एनुअल रिपोर्ट। ओके, ये मेरा एनुअल रिपोर्ट है पूरा टाटा का। इसमें आई विल कम डाउन टू द पॉइंट जहाँ पर इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं। कम डाउन, बहुत डेटा है यार, 450 पेज का एनुअल रिपोर्ट है। ओके, यप, ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये ऑडिट का ओपिनियन है, वी हैव ऑडिटेड द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड व्हाट नॉट, ब्ला 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 ब्ला। एंड ये पेज नंबर 193 से मेरा बैलेंस शीट है। आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, 193। ओके, 193, 194, 195,
6 पे मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है और इसके नीचे कुछ है क्या, ये क्या है, चेंजेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, ये मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स है। तो इनिशियली मुझे 193 से 196 पेज तक का पूरा डेटा मेरे लिए रेलिवेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो, वाइल यू हैव डाउनलोडेड इट, आपने जो डाउनलोड करा है आप यहीं पर ही व्हेन यू आर इन गूगल क्रोम जस्ट डू द कंट्रोल पी, कस्टम्स में आइए और 193 से 196 तक का सेव कर लीजिए। इसको मैं ये फाइल बना देता हूँ, यस मैं इसको सेव कर लिया है। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको नॉर्मल गूगल सर्च करना है कन्वर्ट PDF into Excel। Once you have done that, तो आपको ये फर्स्ट वाला वेबसाइट दिखता है ilovepdf.com, आप इसको ओपन कीजिए, PDF फाइल यहाँ सिलेक्ट कीजिए। सो दिस इज़ माई PDF फाइल विच आई वॉन्ट टू डाउनलोड और विच आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू एक्सेल। नो OCR पे रहने दो, Excel पे टेबल बनी हुई है, एंड जस्ट कन्वर्ट इट इन टू एक्सेल एंड जस्ट डाउनलोड दिस। सो वंस यू डाउनलोड इट, एक बार आप डाउनलोड किए तो आपके सामने ये ऐसा एक्सेल आ जाएगा। अब यार मेरा आधा टंटा तो ख़त्म ही हो गया ना, एक बार डेटा अगर मेरे पास एक्सेल में आ गया है तो आई कैन ईजिली मैनेज इट, मैं इसको ईजिली फॉर्मेट कर सकता हूँ मेरे रिलायबल या मेरे जो भी प्रेफर्ड वे ऑफ वर्किंग है उसमें। तो यहाँ देखो ये बैलेंस शीट आ गया है, ये मेरा इनकम स्टेटमेंट आ गया है, ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया है, एंड ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया है, एंड दिस इज़ माई चेंज ऑफ इक्विटी बट इट इज़ नॉट वेली रेलिवेंट। तो एटलीस्ट अब आपका आधा बैटल तो वन हो गया। आप देखोगे जो दूसरे वीडियोस हैं जो दूसरे लोग बताते हैं वो एक एक करके यू नो पहले यहाँ जाओ फिर इधर आओ फिर इसको कॉपी करो वहाँ से एक एक करके पेस्ट करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट द मोस्ट फीजेबल वे ऑफ वर्किंग, आई विल नॉट प्रेफर दैट, ना मैं खुद करता हूँ ना किसी और को सजेस्ट करता हूँ ऐसा करने के लिए। क्योंकि क्या होगा ना, मैं इसका रीज़न बताता हूँ, व्हेन यू विल बी वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स और यू विल बी वर्किंग इन वैल्यूएशन प्रोफाइल्स और इवन इन इक्विटी रिसर्च, यू हैव द रिसोर्सेज जहाँ पर आप एक क्लिक करोगे और पूरा का पूरा जैसे कैपिटल IQ है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच आई वॉज टेलिंग यू, कैपिटल IQ, यहाँ पर आप एक क्लिक के अंदर पूरा का पूरा बैलेंस शीट स्टेटमेंट इसका यहाँ पर लेके आ सकते हो एक्सेल में। तो वहाँ पर यार ये गधा मजदूरी करने का कोई लॉजिक नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है। इसके अलावा सो मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। सो दिस विल बी माई फर्स्ट वे ऑफ यू नो पुलिंग द डेटा ऑफ द कंपनी इन टू एक्सेल, बट दिस इज अगेन नॉट अ वेरी प्रेफरेबल वे। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप आगे समझोगे। मेरा जो मोस्ट प्रेफर्ड वे है सर वो ये है जो हमने एक्सेल से डाउनलोड किया था, स्क्रीनर से डाउनलोड किया था डेटा। जस्ट मूव इट ओवर हियर। जब आपने डेटा को स्क्रीनर से एक्सपोर्ट टू एक्सेल किया था तब आपके सामने श्योरिटी के साथ ऐसा कुछ डेटा डाउनलोड होगा, ठीक है। जब भी आप कुछ स्क्रीनर से बाय डिफ़ॉल्ट डेटा डाउनलोड करते हो तो ऐसा कुछ डेटा आएगा, या ऐसा नहीं भी आएगा तो आपको सिर्फ जो डेटा शीट वाला कॉलम है उससे सरोकार है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसके अलावा हमें कोई दूसरा शीट का यूज़ नहीं करना है अभी के लिए, ओके। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले इस शीट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, स्क्रीनर का ही लिखा हुआ है। तो वी डोंट नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर शीट, नंबर वन, ओके। नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विल जस्ट मूव ऑन, एंड हम क्या करेंगे अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइनेंशियल्स और एक एरो देता हूँ, इसको मैं टैप कलर में जाके आई विल पुट दैट डार्क कलर जो मेरा प्रेफर्ड कलर है हमेशा, डार्कर ब्लू, ठीक है। ये मैं करता हूँ और यहाँ पर मैं एक शीट और इंसर्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिस्टोरिकल FS, ठीक है। मैं एक और शीट इंसर्ट करता हूँ, भाई ऐसे ही काम होता है व्हेन यू विल बी वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ओके। मेरा जो डेटा शीट है वो अलग है, पूरा फ्लो मेरे पास होना चाहिए। इसको मैं टैप कलर वापस वही देता हूँ, ओके। नाउ अब मैंने मेरी शीट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल के जितने भी टैब्स बनेंगे फाइनेंशियल फाइनेंशियल एनालिसिस एंड व्हाट नॉट वो सब यहाँ पर आएंगे। डेटा मैं जो भी रॉ डेटा शीट पे लेके आऊँगा वो सब रॉ डेटा इस शीट के बाद आएगा, ये शीट ब्लैंक रहेगी, ओके। नाउ एक बार वंस आई मूव
मेरा ये हिस्टोरिकल है। सबसे पहले हमको जो काम करना है वो ऑल्ट डब्ल्यू वी जी, ग्रिड लाइंस मैंने पूरी बाहर कर दी, ऑल्ट डब्ल्यू वी एंड जी, ये ग्रिड लाइंस अनटिक करना है व्यू में जाके, ये मैंने कर दिया। मैंने ए कॉलम को सिलेक्ट किया ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू, इसको 1.15 पे मैंने टैप कर दिया। इसका रीज़न मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आई बटन पे जाओ और पहले पुराने वीडियो देखो, इससे स्टार्ट मत करो, इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर यू। आई वॉन्ट अ हॉलिस्टिक लर्निंग ऑफ ऑल माई यूट्यूब स्टूडेंट्स ओवर हियर। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, मुझे हमेशा स्टार्टिंग बी टू कॉलम से करनी है। आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये कन्वेंशन अपनी लाइफ में शुरू से बना के रखना है अपने को। ओके, दैट हम हमेशा वील बी स्टैंडर्डाइज वेल वील बी वर्किंग। ओके, नाउ मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं कुछ डेटा पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। वो डेटा पॉइंट्स मैं कैसे प्लॉट करता हूँ वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ ईयर्स। अच्छा क्या होता है ना, अच्छा एक चीज़ और, होम पे गए, कैलिब्री 11 है, इसको 11 ही चलाएंगे हम लोग शुरू से आखिरी तक, वी विल नॉट टच दैट, एंड फॉन्ट हमारा कैलिब्री चलेगा। मैंने देखा यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हर लाइन के साथ फॉन्ट बदलते हैं, ऐसा मत करिए प्लीज़, स्टैंडर्डाइज रखो चीज़ों को, तभी वो प्रोफेशनल लुक आएगा, बहुत अपीलिंग बनेगा मॉडल, डोंट वरी। ओके, आप खुद विल बी सरप्राइज, एक बार देखोगे तो बहुत सरप्राइज हो जाओगे आप बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। थोड़ा लंबा होगा बट आखिरी तक टिकना, आराम से करेंगे। ओके, मुझे जल्दी नहीं है, आपको जल्दी हो तो आगे बढ़ा लो, 1.5 1.2 पे देख लो। ठीक है, तो ये मेरा ईयर है। जब भी आपके पास, जब आप काम करोगे आगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में और आपके पास क्लाइंट का डेटा आता है, तो कभी भी उस डेटा को सबसे पहले अपनी मेन मॉडलिंग शीट के ऊपर लेके आओ, ये वाले डेटा इस वाली शीट पे लेके आओ, जैसे हम लोग अभी डेटा शीट को लेके आए। ओके, रीजन बीइंग आई डोंट वांट टू हार्ड कोड द क्लाइंट का डेटा ओवर हियर, मैं क्लाइंट के डेटा को डायरेक्टली लिंक करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो हेडिंग जाएगी कि क्या चीज़ है, तो इक्वल टू डबल कोट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रैकेट स्पेस देके हाइफन स्पेस देके फिर डबल कोट एंड मैंने ये एंड सिलेक्ट किए और मैं सीधा डेटा शीट पे जाके ये जो बी वन कॉलम है इस पर सिलेक्शन मार दूंगा। तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली उसने डायनेमिक बना दिया। इसका क्या मतलब है, कल को अगर आपने ये शीट ऐसा का ऐसा रखा है, मैं वही बोला ना इसको टच मत करना इस शीट को, ठीक है, और ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल आप बना रहे हो, आपने शीट चेंज करके मान लो इसका शीट आपने कर दिया टाटा स्टील का शीट डाउनलोड कर लिया ऐसा, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसने टाटा स्टील ले लिया। दैट इज़ वाई वी डोंट वॉन्ट टू चेंज दिस पर्टिकुलर शीट। इन्होंने भी एडवाइजरी इशू करी कि भाई चेंज मत करो इस शीट को। ओके, नाउ मेरा ये चीज़ कन्फर्म हो गया, मैं फॉर्मेटिंग सब अभी सेट कर लेंगे, डोंट वरी। अभी मैं यहाँ पर ईयर्स हार्ड कोड करता हूँ, ईयर्स नंबर नहीं है तो इसमें कोई कलर कन्वेंशन फॉलो नहीं होगा। मैं इक्वल टू पे जाऊँगा और ये जो सी कॉलम है, मतलब यहाँ पर मेरा ओल्डेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, तो मेरा टॉप पे मैं जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस ये दिखा रहा है मुझे मार्च 13, मैं ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब देखिए अभी एक नंबर फॉर्मेट में आ गया है, तो मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा, आई विल गो इन डेट और डेट में जाके मैं थोड़ा सा डाउन जाऊँगा, आई विल गो डाउन 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 डाउन, ओके डेट में नहीं हो रहा, Ctrl+Shift+3 कर दूंगा। नाउ सर व्हाट आई विल डू, ये था, आई विल जस्ट गो टू कस्ट, अच्छा ये रहा, ओके ओके ओके, आप यहाँ डेट पे सिलेक्ट करेंगे, कस्टम्स में जाएंगे एंड इसको ऐसा करेंगे MMMY, तो ये मार्च 13 हो जाएगा, परफेक्ट। और मैं इसको ड्रैग करते जाऊँगा मतलब इसको आगे बढ़ाते जाऊँगा, देखते जाऊँगा जहाँ पर NA आ रहा है, मार्च 23 मिलेगा नहीं, ये NA हो जाएगा। यहाँ पर मैं हार्ड कोड करूँगा LTM का क्या मतलब होता है, और इसको मैं Alt+H+AR उधर लेके जाऊंगा। LTM का मतलब होता है लास्ट 12 मंथ्स, तो लास्ट 12 मंथ का क्या ट्रेलिंग नंबर्स चल रहे हैं। ओके, नाउ अब सबसे पहले बारी आती है भैया फॉर्मेटिंग करने की, तो फॉर्मेटिंग में ये कीजिए Alt+HFC, इससे आपका कलर चेंज होगा, इसको वाइट करना है, Alt+H+Alt+HH एंड इसको डार्क ब्लू का सिलेक्शन देना है और इसको बोल्ड करना है। यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है टॉप वाला कॉलम, इसको सिलेक्ट करिए और इसको Alt+HMC
MC करा मतलब मर्ज एंड सेंटर कर दिया मैंने। वापस करके बताऊं, ऑल्ट H, ये M दिख रहा है, M करा और C करूंगा तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा, ऑल्ट H MC। तो मेरा ये डेटा एक बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट हो चुका है। अब व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां पर इनकम स्टेटमेंट लिखता हूं एंड इसको मैं बोल्ड करता हूं और यहां पर मैं एक हैश डालता हूं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हम हैश क्यों डालते हैं, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लीज देखिए। और सबसे पहले जो हमारी टॉप लाइन है, मैं समझाते भी जाऊंगा एक एक चीज। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि सर ओ माय गॉड, यहां पर तो देखो इतना सा PNL है, सिर्फ ये वाले आइटम्स हैं, और उसके अगेंस्ट में अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला PNL ओपन करता हूँ टाटा मोटर्स का, इफ़ आई ओपन दिस पर्टिकुलर PNL, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो देखो कितने सारे, ये कितना अच्छा ब्रेकअप दे रखा है ना, मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम, वो कंज्यूम, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ओ माय, भैया ये सब की ज़रूरत बाद में पड़ेगी, तब हम इसको सेट कर लेंगे, डोंट वरी। अभी पहले जो चीज़ का जिस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो कि डेटा को लेके कैसे आना है प्रोफेशनल मैनर में। तो सेल्स पे मैं जाऊँगा, सेल्स पे मेरे को कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है सर, पूरे मॉडल में कहीं पर भी ये नंबर आपका नहीं आना चाहिए, जो ऐसा आता है ना, ये सबसे ख़राब चीज़ है। अगर आपके मॉडल में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो हैशटैग NA बताता है तो आपको हमेशा इफ एरर फॉर्मूले को यूज़ करना है। इफ एरर वैल्यू, वैल्यू में क्या सिलेक्ट करना है आपको, वैल्यू में ये सेल सिलेक्ट करनी है, अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो इसको ज़ीरो कर दे। देख रहे हो आप, ये वैल्यू आ गई है और मुझे ये मार्च 2022 तक प्लॉट करना है। जब एक बार मैंने इसको प्लॉट किया है तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा मार्च 2022 तक प्लॉट हो चुका है। एंड मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+1 पे जाता हूँ, करेंसी में जाता हूँ, करेंसी में सिम्बॉल में रुपी का सिम्बॉल सिलेक्ट करता हूँ और मैं नेगेटिव में जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और मैं ओके कर देता हूँ, डेसिमल दो प्लेस तक चाहिए। कस्टम्स में आप जाओगे, रुपी सिम्बॉल दिस पर्टिकुलर में ये ले लेता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको नेगेटिव को मैं पैरेंथेसिस में डाल दूंगा रादर देन पुटिंग अ माइनस साइन ओवर देयर, मुझे 1 decimal ही चाहिए। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, ठीक है? आप सारे पुराने वीडियोस देखो तब ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। मैं जब एक बार सेमीकॉलन का डिविजन देता हूँ ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सेमीकॉलन का डिविजन है, ये वाला पॉजिटिव नंबर रिफ्लेक्ट करता है, ये वाला नेगेटिव नंबर रिफ्लेक्ट करता है, और उसके बाद जो ज़ीरो रिफ्लेक्ट करता है वो मैं हाइफ़न चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए वो ज़ीरो लिखे कहीं भी, हाइफ़न आना चाहिए। ओके किया, आप जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी इसने क्या करा है, सबको करेंसी में चेंज कर दिया है, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि यार कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा ठीक लगेगा, परफेक्ट। LTM को अभी देखते हैं, LTM कैसे करेंगे वो समझते हैं। LTM में भी कुछ नहीं करना है, इफ़ एरर आपने ब्रैकेट ओपन करा, यहाँ पर आपने सम का फंक्शन लगाया, मुझे सम चाहिए, किस चीज़ का सम चाहिए, नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्वार्टरली डेटा अवेलेबल है, ये रहा क्वार्टर्स का डेटा, तो मुझे लास्ट 4 quarters का सम करके दे तू, अगर सम नहीं आएगा तो ज़ीरो देना। मॉडल को हॉलिस्टिक और डायनेमिक बनाना है, ठीक है? Ctrl+C कर रहा हूँ मैं, और मैं सिर्फ Ctrl+Alt+V से जाके फॉर्मेट पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो बता रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है पता है, वो बोल रहा है कि भैया ये वाला जो पर्टिकुलर फार्मूला है ना आपका, वो फार्मूला बाकी सब फार्मूले से अलग है, मुझे एक एरर को इग्नोर करना है भी अलग ना। इफ़ एरर का यूज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से करते जाना है। ओके, नाउ एक बार मेरा सेल्स हो गया ना, अब मैं यहीं पर ही सेल्स ग्रोथ प्लॉट करूँगा। सेल्स ग्रोथ इसकी तो आएगी नहीं, इट विल बी नॉट एप्लीकेबल, आई कीप इट ज़ीरो, या मैं एक हाइफन दे दूंगा, हाइफन दे के हाइफन को इधर कर दूंगा। एंड अब मुझे क्या चाहिए, ये मेरी करंट ईयर की सेल है डिवाइडेड बाय मेरी लास्ट ईयर की सेल -1, तो आप देखोगे 23% का गेन आ रहा है। मैं ऑल्ट H एंड P टाइप करूंगा तो ये 23 आ गया, Alt H 0, Alt H 0, 2 decimal में चाहिए मुझे परसेंटेज। हम लोगों ने पहले कन्वेंशन सेट करा है, नंबर 1 decimal, परसेंटेज 2 decimal, इसको मैं यहाँ तक पूरा प्लॉट कर दूंगा और मैं ये पूरी लाइन सिलेक्ट करके इसको इटैलिक में ले आऊँगा ताकि ये डिफ्रेंशिएटेड रहे कि ये दूसरों से अलग है। अगर आपको और थोड़ा अच्छा इसको सुंदर करना है तो
तो वॉट यू कैन डू इज़ आप इसका कलर थोड़ा सा लाइट ग्रे में चेंज कर सकते हो, मतलब इट शुड बी नॉट प्योर ब्लैक, रादर इट विल बी लाइट ग्रे। तो यहाँ पर मेरे साथ अभी मैंने क्या करा है, आई हैव प्लॉटेड माई नंबर्स ओवर देयर। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि नंबर्स थोड़े क्लियरली विजिबल हो। यस, परफेक्ट। हाँ जी, तो हमारे सेल्स के फिगर्स सारे प्लॉट हो चुके हैं। अभी हम प्लॉट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। व्हाट इज माय COGS? तो COGS क्या होगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वुड बी नथिंग बट इफ एरर हमेशा ओपन करना है, सम मैं सम ओपन करूँगा, आई विल गो टू द डेटा शीट से लिंक करूँगा, मुझे सम करना है ये, मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट माई कॉमा पावर एंड फ्यूल अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कॉस्ट, यहाँ तक। इसके बाद मुझे रिड्यूस करना है इसमें से इन्वेंट्री, लेकिन जब मैं इन्वेंट्री रिड्यूस करूँगा तो मैं इसमें करूँगा -1 × 2, मतलब माइनस का मैंने साइन क्यों लगाया है पता है, 1 × क्यों करा है, -1 × क्यों करा है, बिकॉज आई वॉन्ट कि इन्वेंट्री जो पॉजिटिव हो वो रिड्यूस हो जाए और जो नेगेटिव इन्वेंट्री वो इसमें प्लस हो जाए। तो मैंने इसको करा है और मैं इसको क्लोज करूँगा। ओके, मैं इसको 0 दे दूँगा, अगर ये यहाँ पर कुछ भी एरर आएगा तो ये मेरी इन्वेंट्री यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा प्लॉट हो गया। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पर इसने, क्योंकि ये अच्छा, आपको अगर देखना है पहले जाके कि इसने कहाँ से उठाया है, तो अभी देखो उसने सीधे ब्लैंक कॉलम पे ले जाके मेरे को फेंक दिया। ये आप कैसे देखेंगे पता है, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और पी के पास वाला जो ब्रैकेट होता है ना उसको प्रेस करेंगे तो बताएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से पिक किया है। तो देखो वो ब्लैंक था इसलिए उसने उसको एरर बता दिया और 0 कर दिया है, और हमने फॉर्मेटिंग करी थी कि 0 जब भी हो तो 0 ना हो, उसकी जगह एक पैरेंथेसिस आ जाए या एक हाइफन आ जाए। अच्छा, मुझे वापस उस शीट पे जाना है तो मैं कंट्रोल जी करूँगा और मैं इंटर कर दूंगा तो वो पर्टिकुलर उसी ब्लॉक पे आके रुक जाएगा। ओके, नाउ सो दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, मैंने तो दोनों शीट्स को कंपेयर करा, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, जो एनुअल रिपोर्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया था, और यहाँ पर जो आ रहा है उसमें नंबर्स में थोड़ा चेंज है, वो हमेशा आएगा, ठीक है। अगर आप लास्ट एनुअल रिपोर्ट ओपन करते हो टाटा मोटर्स का और उसमें देखते हो 21 के नंबर, और आप करंट ईयर ओपन करते हो और उसमें देखते हो 21 के नंबर, तो उसमें भी आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, उसमें इतना टेंशन लेने का नहीं। ओके, नाउ यहाँ पर मैं करूँगा ग्रॉस मार्जिन्स। सो ग्रॉस मार्जिन के लिए ओके, दिस विल बी योर COGS एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसको हम कर देंगे सर दिस डिवाइडेड बाय टॉप। हाँ जी, एक बार मेरा ये हो गया, इसके बाद मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कुछ नहीं, आपको खींच देने का बस फटाफट। अब तो ओके, नाउ इसको भी सेट कर ही लेते हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। क्या सम करना है यहां पर, LTM है ना, क्वार्टरली रिजल्ट पे जाना है, नीचे आ जाओ। ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है आपको, लास्ट 4 एक्सपेंडिचर, जो डेटा अवेलेबल है उसको लो, आगे बढ़ो, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, और ये इग्नोर कर दो फॉर्मूला को, आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा यहां तक का आपको। चलिए, नाउ विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आया, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे कुछ और एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस करने हैं एबिडा निकालने के लिए। तो एबिडा निकालने के लिए मुझे क्या रिड्यूस करना है, ऊपर मैं जाता हूँ और ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाता हूँ। यस, सो एबिडा निकालने के लिए मुझे रिड्यूस करना है, आप देख रहे हो ये अदर इनकम जो है ना, ये मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। कारण क्या है, ये अदर इनकम बहुत फ्लक्चुएटिंग है, राइट, कभी -26,000 crores है, दिस इज इन करोर्स। ओके, ये जो बैलेंस शीट आ रही है करोर्स में आ रही है, 150,000 crore का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आई एम जस्ट अवॉइडिंग दिस फॉर द टाइम बीइंग अदर इनकम को ना। तो मुझे क्या, मैंने यहाँ तक के एक्सपेंडिचर को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, अब ये सेलिंग एंड एक्सपेंडिचर है, अदर एक्सपेंडिचर है, इन दोनों को मैं रिड्यूस कर दूंगा तो मेरे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज
सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस इक्वल टू इफ एरर सम डेटा शीट योर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस. इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्यों कवर करी है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, मैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. ओके इसको बंद किया, इक्वल टू ज़ीरो इसको बंद किया, ठक यहाँ मैं ऊपर गया, सॉरी इधर ऊपर गया एंड आई विल कम ओवर हियर. मैंने इसको पेस्ट कर दिया. व्हाट आई विल डू नाउ इज इसका मैंने फॉर्मेट कॉपी किया है और मैं कंट्रोल ऑल्ट वी टी करके मैं फॉर्मेट पेस्ट कर देता हूँ. ये बार बार के लिए एरर प्रॉम्प्ट कर रही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करने दो उसको. नाउ LTM में जाके देखेंगे LTM में क्या इशू आ रहा है. क्वार्टर में अदर इनकम है, डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, तो उसने क्या करा है यहाँ पर एक्सपेंडिचर का मेरे को ब्रेकअप नहीं दिया है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर टाइम बीइंग, इट्स ओके. नहीं दिया तो नहीं दिया, कुछ नहीं कर सकते. ओके नाउ सो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल प्लॉट EBITDA ओवर हियर. इसको मैं करता हूँ SNG expenses. इसका मज़ा आ जाएगा भाई आपको, लास्ट में पूरा मॉडल आपको ऑटोमेट होगा. आप ये जो पर्टिकुलर चीज़ प्लॉट कर रहे हो ना, ये दुनिया की किसी भी कंपनी, कोई भी इंडियन लिस्टेड कंपनी के लिए एक सेकेंड लगेगा, आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके प्लॉट हो चुके होंगे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. एंड इसका मैं फॉर्मेटिंग भी चेंज कर देता हूँ, पूरे सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर तक, और मैं इसको आई कर देता हूँ एंड आई जस्ट चेंज इट्स यप डिवाइडेड बाय सेल्स. चलो परफेक्ट, व्हाट इज बीइंग डन. Now we will calculate our EBITDA. So our EBITDA is nothing but this minus this. Okay. ये मेरा EBITDA आ गया. यहाँ पर आप देखो ना, आप अगर थोड़ा सा इधर जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर इसका EBITDA दिया हुआ है, ये चारों का EBITDA. यहाँ से ले लो LTM है ना, LTM का यूज़ बहुत आगे आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी. तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ से डायरेक्टली उसको लिंक कर देता हूँ. इफ एरर लिखने में ही एरर कर रहे हो पार्थ बाबू, कैसे काम चलेगा. मैं सम कर देता हूँ लास्ट चार का EBITDA का. ओके क्लोज दिस, जीरो ठीक है. एंड सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंडिचर, अच्छा एक ग्रॉस मार्जिन से ज़्यादा EBITDA आ गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स फाइन. EBITDA से ही काम स्टार्ट होगा. अच्छा EBITDA इतने इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं समझा देता हूँ एक मिनट में. नोंट वरी, आपने बार बार सुना होगा, बार 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 EBITDA का जिक्र होता है कि EBITDA भाई क्यों EBITDA चाहिए वो बताओ. मैंने ऊपर का पूरा फॉर्मेट लिया है, कंट्रोल ऑल्ट वी टी करके पेस्ट कर दिया. इसको EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बोल दो, EBITDA मार्जिन बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो. इसको चेंज कर देते हैं, इसको भी लिख देते हैं EBITDA मार्जिन्स. ओके नाउ व्हाट आई नीड टू प्लॉट इज इंटरेस्ट. अभी पूरा मैं एक बार बना लूं, उसके बाद आई विल टेल यू कि व्हाट व्हाई इंटरेस्ट इज रेलेवेंट, व्हाई EBITDA इज रेलेवेंट. तो इंटरेस्ट तो मैं एज इट इज डेटा शीट में जाऊंगा, इक्वल टू इफ एरर. इफ एरर क्यों जरूरी है अभी समझ जाता हूं मैं आपको, रुको. इंटरेस्ट ये दिख रहा है मुझे सीधा सीधा, चेक कर लो सही जगह से ले रहे हो ना. हाँ जी इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे सीधा सीधा, आई टेक दैट इंटरेस्ट. LTM में भी हाथों हाथ लेके चलो यार.
data sheet, and here you have come down, here you have interest. तो इसके आगे मैं लगा देता हूँ एक sum का function, and I want the number of interest of last four quarters. ठक ठक ठक. Yes. जी अरे भाई नहीं चाहिए तेरा एरर, इग्नोर कर. एस इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ एंड वापस इसका फॉर्मेट पूरा पेस्ट कर देता हूँ. यस डेप्रिसिएशन फॉर्मेटिंग यार हाथों हाथ ही करते जाते, नहीं तो बाद में, और आप भी यार साइमल्टेनियसली बनाते जाओ नहीं तो आपको बाद में बहुत इशू आएगा. सो कॉपी करता हूँ मैं, नीचे इसके सिर्फ फार्मूले को पेस्ट करता हूँ. अब मैं फार्मूला में जाता हूँ, डेटा शीट में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको सीधे पिक करके ऊपर उठा लेता हूँ इंटरेस्ट पे. जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक फार्मूला क्या लगा है. H49 to K49. ओके तो मुझे H49 to K49 की जगह H46 to K46 करना है. मैं इसको 46 46 कर देता हूँ. ये मेरा इंटरेस्ट का फिगर आ गया है. कुछ तो गड़बड़ है बाबू, लेट मी जस्ट चेक. हमने क्या करा है, H49 और K46. हाँ यार बहुत इंटरेस्ट पे कर दिया कंपनी ने. यस चल डन. नाउ 9311 आ ही रहा है वैसे भी, लास्ट वाला मार्च 2022. कंपनीज पुटिंग अ लॉट ऑफ, तो ये वाला H46 K46 हो गया मेरा, ये एबिटडा हो गया, एंड डेप्रिसिएशन इज योर दिस वन 45. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट चेंज इट टू 45 एंड दिस इज माय डेप्रिसिएशन H45 to K45. परफेक्ट. 45 है तो बराबर. ओके यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है ना. सो यहाँ पर आपने ये लेना है ठाक. यस ठीक है यार, लाइव एनवायरनमेंट में इतनी सब मिस्टेक्स तो अलाउड है, ऐसा मत करो. चलो ना डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, मैं इसको पूरा का पूरा नीचे कॉपी कर लेता हूँ. डेप्रिसिएशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स ठक ठक. सेल्स पे मैं जाता हूँ और मैं इसको पूरा लास्ट तक प्लॉट कर देता हूँ. यस चलो परफेक्ट. नाउ अभी आप समझना एबिटडा क्यों मेजर है, पता है आपको. एबिटडा से आपने सुना होगा बार बार ईवी बाय एबिटडा. एबिटडा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग वैल्यूएशन और एनालाइजिंग टू कंपनीज, क्योंकि एबिटडा आपकी प्योर बिजनेस अर्निंग है. वो आपकी बिजनेस आप कितना एफिशिएंटली अर्न करते हो उससे क्या अर्निंग निकलती है, दैट इज द मेजर ऑफ एबिटडा. एंड इट वॉन्ट इंक्लूड द डिफरेंस इन योर अकाउंटिंग मेजर. मतलब आप डेप्रिसिएशन को, एक कंपनी अगर SLM से डेप्रिसिएशन निकाल रही है, दूसरी WDV से निकाल रही है, मुझे पता है SLM इज नॉट अलाउड, बट से फॉर एग्जांपल ठीक है, या फिर एक कंपनी है जिसको बहुत कमती रेट पे इंटरेस्ट मिल गया है, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल गया है, दूसरी कंपनी जो बहुत हाई इंटरेस्ट पे कर रही है, तो मुझे उन सब की अर्निंग नहीं देखनी है कि उसकी अर्निंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट कम है. नहीं, मुझे चाहिए कि बिजनेस की एफिशिएंसी के कारण आपकी कितनी अर्निंग हो रही है. तो मैं इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करने के पहले ही जो कैप लगा देता हूं वो मेरा एबिटडा है.
ओके, आई होप ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा. इट कुड बी वेरी यू नो, डोंट वरी, थोड़ा सा लगेगा आपको कि यार क्या बता दिया आपने, बट ठीक है, यही है जो भी है. ठीक है ना, वो थोड़ा सुंदर कर देते हैं यार, ऐसा क्या कर रहे हो. एक स्टॉप और लाइट करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा. चीज़ें जितनी मिनिमल उतनी बेटर. यस, चलिए जी. तो ये पाप हो रहा था मेरे से भी. बताया भी नहीं आप लोगों ने. क्रॉस मार्जिन, ये LTM, तो LTM आप EBITDA के बाद से देखना शुरू करो भाई, ऐसा मत करो, यहां से देखना शुरू करो ना. तो क्या EBITDA के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, इसके बाद मेरा निकलेगा अर्निंग्स. बिफोर टैक्स और EBT बोल दो आप इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स बोल दो, जो बोलना है बोल दो. US में अर्निंग बोलते हैं, UK में प्रॉफिट बोलते हैं. हम UK वाले हैं, UK वाले बोलेंगे, कोई बात नहीं, नाराज मत होना. बस सम सर, आपने एफ एरर नहीं लगाया, ऐसा मत करो. मैं ही गलती करूंगा तो आप लोग क्या करोगे फिर. पहली बार नेगेटिव आया है और समझ में भी आया है कि भैया तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, तुमने नेगेटिव में ये क्यों नहीं लगा रहे हो. यस, चलिए जी, चेक कर लेते हैं एक बार सब सही है कि नहीं है. दिस इज योर ईयर, इसको मैं ये वाला लाइन सिलेक्ट करता हूँ, व्यू में जाता हूँ, फ्रीज पेन कर देता हूँ. योर EBT एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये करते हैं फटाफट, आगे बढ़ते हैं. उसका फॉर्मेट पेस्ट कर दिया मैंने नीचे, ठक ठक. हाँ जी, नाउ मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ चुका है. अब मैं टैक्स करता हूँ कि कंपनी ने एक्चुअली में कितना टैक्स पे किया है. परफेक्ट, इफ एरर, डेटा शीट, शीट में टैक्स. फॉर्मेटिंग, इसमें लगाया मैंने इफ एरर, सम फंक्शन, डेटा शीट, क्वार्टरली टैक्सेस को मैं ऐड कर दूंगा पिछले 4 क्वार्टर के. यस, यही ना, हाँ जी यही है. हाँ जी, चलिए उसको इग्नोर कर दिया. ना अब मुझे चाहिए इफेक्टिव टैक्स रेट. इफेक्टिव टैक्स रेट जो होगा वो EBT पे कैलकुलेट होगा, सेल्स पे नहीं होगा. आई होप ये सबको समझ में आ रहा है. कोई बात, ये एक्सेप्शनल है, इसको छोड़ दो अभी, इसको देखोगे. मैं इसको भी समझाऊंगा इसके साथ कैसे डील करना है, डोंट वरी, इसी इसी सेशन में समझ लेंगे. चलो,
मेरा एक बार इफेक्टिव टैक्स रेट कैलकुलेट हो गया, अब जो मेरा निकल रहा है वो निकल रहा है मेरा नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट योर ईबीटी माइनस योर टैक्स. सारे फेरार बोर लग रहा है, किताब पढ़ के सीख लेना, छोड़ दो वीडियो देखना मत देखो. ओके, नेट मार्जिन्स, दिस डिवाइडेड बाय सेल्स. ठक 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 ठक. तो अभी देखोगे आप थोड़ा नेट मार्जिन नेगेटिव में आ गया है, कंपनी का चल भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा जी, एक बार आपने नेट मार्जिन्स यहाँ पर लगा दिए हैं, ये जो प्रॉफिट है ना, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट है. इसको ऐसा भी बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. हो गया ना काम, बांट दिया ना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बांट दिया, डिप्रिसिएशन बांट दिया, टैक्स बांट दिया, आपके अब क्या करना है? और जो बचाया हुआ पैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है. अब मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल डिसाइड वेदर दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द 100% एज अ डिविडेंड और दे वांट दैट टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस. इस पर्टिकुलर केस में आफ्टर 2018 दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी. बट अगेन यू कैन सी दैट द लॉस इज इन द नेगेटिव ट्रेंड, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द लॉसेज. समझते हैं क्या करना है. चलो इसके बाद वील सी डेटा शीट के अंदर अब आगे और क्या है. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा निकल गया, नेट प्रॉफिट निकल गया, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट निकल गया. मैं और नीचे आता हूँ, मैं देखता हूँ इसमें और मुझे क्या मटेरियल मिल रहा है. तो एडजस्टेड इक्विटी शेयर्स इन क्रोर्स है, प्राइस है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी है. यू कैन सी ओवर हियर वी हैव द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बट ये क्या है, एब्सोल्यूट फिगर्स में. मैं नीचे जाता हूँ, अभी मैंने देखा था ना, हाँ ये रहा एडजस्टेड इक्विटी शेयर्स इन क्रोर्स. सो दिस इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट प्लॉट दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर. हमेशा इसके इक्वल होगा. ओके, आई होप ये चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी बहुत अच्छे से. अब मेरे पास सब कुछ है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग आपको कैसे करना है वो देखना. इफ एरर, अगर इफ this divided by this L0, कर लेंगे फॉर्मेटिंग भी सॉल्व कर लेंगे. चलो ना इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं इस पे. आपने एक चीज और नोट करी होगी, हाँ जी. चलिए तो मेरा ईपीएस तक सब कुछ सॉर्ट हो चुका है. ईपीएस इज नथिंग बट अर्निंग्स पर शेयर. मैंने ये क्यों करवाया आपसे, ऐसा क्यों करा है, क्या नहीं करा है, वो सब चीज़ समझ लेंगे. ओके, नाउ हम देखते हैं कंपनी ने डिविडेंड कितना बांटा है. क्या डिविडेंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है? यस, इट इज़ अवेलेबल ओवर हियर. ठीक है, तो कंपनी ने कुछ सालों में डिविडेंड बांटा है. मार्च 2016 से कंपनी इज़ रिफ्रेनिंग फ्रॉम पेइंग द डिविडेंड. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. इसको भी सेम ही रखो, फिर अर्निंग पर शेयर, पर शेयर.
एंड मैं सीधे पिक करता हूँ डिविडेंड अमाउंट यहाँ से. दिस डिवाइडेड बाय, दिस माई टोटल डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय, सीधा जरी कर लो. अरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाँ जी कंपनी बहुत मोटा माल अपने पास रख गई है. चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है. ना इसको मैं पूरा इधर तक खींच के लेके जाऊंगा, कंट्रोल बी कर दूंगा. ठीक है, तो आप देखो जहां पर नहीं आ रहा है वहां जीरो जीरो आ रहा है. ठीक है, और इसके लिए आप कॉपी कीजिए एंड इसको नीचे से फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दीजिए, तो उसने खाली कर दिया है कि भैया नहीं आ रहा है. ओके, ना एक कॉलम आई विल वॉन्ट टू ऐड टू चेक ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज. कॉपी किया, पूरा कॉपी किया, फॉर्मेट पेस्ट कर दिया. दिस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स डिविडेंड ईपीएस माइनस वन. ओके, यहां पर आप कीजिए इफ एरर, वरना पूरे मॉडल में आ जाएगा एरर. थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है ना. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए ठीक है, छोड़ दो. कोई अच्छी कंपनी ढूंढेंगे, बट ऑटोमेट करवाना है मेरे को ये चीज नॉर्मल, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, ना नाउ मेरा डिविडेंड पर शेयर आ गया है, आपको चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज नाउ यू कैन से डिविडेंड पे आउट रेशियो. वैसे रेशियो एनालिसिस पूरा अलग ही करेंगे, लेकिन अभी जो हाथ आता तो जो चीज़ मैं प्लॉट कर सकता हूँ तो कर ही दूँ यार. हाँ जी, तो कंपनी ने 6% डिविडेंड दिया है. देखना ही फेरर अगर नहीं लगाते हो तो क्या होता है, देखो अभी समझ में आएगा. ठीक है बेटा, ये जीरो होता ना तो समझ में आ जाता. कोई बात नहीं, इट्स फाइन, मैं तो लगाऊंगा. हाँ जी, चलिए डिविडेंड पर शेयर मेरा मिल गया है. अब मेरे को रिटेन अर्निंग्स भी निकाल देता हूँ हाथों हाथ, जितना जो जो निकलता जाए वो सब मैं निकालते जाता हूँ. रिटेन अर्निंग्स मैं सीधे कर देता हूँ इसको, 1 माइनस इक्वल टू इफ एरर. वन माइनस दिस पर्टिकुलर थिंग एल जीरो. %93 अर्निंग रिटेन कर लिया. बैड चॉइस ऑफ द कंपनी, एक्चुअली बैड चॉइस ऑफ द कंपनी. ठीक है, इट्स फाइन. अच्छा, ये चीज के लिए बताऊँ एक चीज आप और कर सकते हो. इफ एरर के बाद व्हाट यू कैन डू इज इफ एरर, इफ एक और इफ कंडीशन लगाता हूं मैं, इफ दिस इज मोर देन दिस देन डू 1 माइनस दिस एल्स 0 एल्स 0. थोड़ा सा वीडियो रोकना, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा अपने आप. ये देख रहे हो क्या हो गया,
जहां पर अभी देखो, यहां पर कंपनी के पास अर्निंग थी बट डिविडेंड नहीं बांटा तो इसने 100% रिटेन कर लिया, लेकिन यहाँ तो कंपनी के पास अर्निंग ही नहीं थी तो रिटेन अर्निंग तो जीरो आना चाहिए ना। अगर मैं फॉर्मूला नहीं लगाता तो यहाँ पर भी 100 आ रही थी रिटेन अर्निंग्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया है। ये बहुत ही मतलब है ना यार, ऐसी चीज़ है जो मज़ा नहीं आएगा फिर, अगर छोटी छोटी चीज़ों को, इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को एक्सप्लेन करने बोलोगे तो। हाँ जी, तो आपका बहुत सुंदर सा एक स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया है। ये है आपका इनकम स्टेटमेंट ऑफ टाटा मोटर्स। अभी के लिए टाटा मोटर्स है, बाद के लिए और अच्छा कुछ होगा पूरा बताएंगे। अब अगली बार जाते हैं हम सीधे सीधे बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फटाफट बनेगा। बैलेंस शीट बोल दो, स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, इसमें कुछ मत करो भैया। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से इसको उठा लो पूरा का पूरा कैश एंड बैंक तक। ओके कर दो, हिस्टोरिकल में आ जाओ, कंट्रोल ऑल्ट भी करके पेस्ट कर दो अभी के लिए। ओके, इक्विटी, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, अदर लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी, इसको टोटल लाइबिलिटी करिए। एक डाउन कर दो, इसको बोल्ड कर लेंगे टोटल लाइबिलिटी को। ठीक है, इसको लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स नेट ब्लॉक, इसको लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स नेट ब्लॉक एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट्स अदर असेट, इसको कर देंगे टोटल असेट, कर देंगे टोटल नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, मैं उसके पीछे अभी नहीं भाग रहा हूँ। अभी मेरा उद्देश्य आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ऑटोमेट कराना है, पूरा एक्सरसाइज खत्म होने दो। आप किसी भी लिस्टेड फाइनेंशियल कंपनी का, किसी भी इंडियन लिस्टेड कंपनी का, या पूरा एनालिसिस विद इन 1 मिनट कर लोगे पूरा विथ फॉर्मेटिंग, एंड आई विल टेल यू हाउ, डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी, बेयर विथ मी। ओके, इसमें मैं एक चीज़ और डॉट करता हूँ नीचे, ये तीनों मेरे आ गए, टोटल करंट असेट्स एंड यहाँ पर मेरा आ गया टोटल असेट्स। चलिए जी, करें शुरू फटाफट। डेटा शीट, यहाँ तक तो सेम ही है। हाँ जी, सेम ही है, बट चेक करने में कोई बुराई नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। देखना मार्च 2020 का 329061 आ रहा है क्या? मार्च 2022 टोटल असेट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ जी, परफेक्ट। चलिए ऊपर से कहीं से भी एक अच्छी जगह से फॉर्मेट पेस्ट कर लो, ये वाले फॉर्मेट उठाओ, कॉपी करो, फॉर्मेटिंग पेस्टिंग। इसको मैंने पूरी बैलेंस शीट को परफेक्ट कर दिया। क्वार्टरली के लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी, क्वार्टरली की वैसे बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। नाउ मेरा फिक्स्ड असेट्स नेट ब्लॉक, फिर से मुझे जाना है डेटा शीट में। अरे यहाँ नहीं, डेटा शीट में जाना है ना, लाइक परफेक्ट। अच्छा सर, ये एक शीट से दूसरी शीट में मूव करना है तो कंट्रोल पेज डाउन करके मूव कर सकते हो, फटाफट हो जाएगा, मतलब बिना माउस को क्लिक करे, अगर जस्ट इन केस इफ यू वांट टू। 63, 64, 65, ओके, जस्ट चेक मार्च 2022 टोटल नॉन करेंट 329061,
लेट मी जस्ट चेक टोटल 9. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही चल रहा है. बढ़ते जाओ, कदम कदम बढ़ाए जाओ. कॉपी. हाँ जी, अब रिसीवेबल में आ जाओ. और रिसीवेबल में आ जाओ तो कुछ मत करो, सबसे पहले तो फॉर्मूले कॉपी कर लो यार. B68 है ना मेरे को रिसीवेबल, कहाँ पर है मेरा रिसीवेबल? 67 में बैठा हुआ है. तो बस एक ऊपर नीचे करना है और क्या. हो गया, ये तीनों तो मारी सकता हूँ एटलीस्ट. मेरा ये हो गया. अब मैं इसको कर दूंगा सम. ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? मेक सेंस. को भी कर दो अच्छे से हाईलाइट. टोटल नॉन करेंट एसेट चेक कर लो. 88351 आ रही है क्या? ये तो चेक हो नहीं पाएगी, लेकिन ये यहाँ से चेक कर लेंगे. 88351 आ रही है. अब मेरी जो टोटल असेट है दैट विल बी नथिंग बट दिस, नॉट दिस, ठीक प्लस ठीक. ओके, जो अदर असेट है ना बॉस, वो अदर असेट बताऊँ क्या है? वो अदर असेट इज एक्सक्लूसिव ऑफ दीज थ्री लाइन आइटम्स. क्योंकि बैलेंस शीट तो आपकी यहीं पर ही टैली हो रही है. आपको अगर ये ब्रेकअप चाहिए नॉन करंट असेट नॉन करंट लाइबिलिटी का, बहुत इजी, एक मिनट में मिलेगा. कुछ नहीं करना है आपको. आपको सबसे पहले डेटा शीट में जाना है, इसको हटाओ, इफ एरर का फॉर्मूला लगाओ, अदर असेट में आओ. अदर असेट दिस माइनस सम ऑफ दीज थ्री, ठक ठक ठक. इसको ऐसे कर दो. यस, कॉपी किया मैंने, पूरा फॉर्मेट पेस्ट कर दिया. परफेक्ट, बहुत ही सुंदर. अब यहां पर एक चीज करिए जो प्रोफेशनल्स करते हैं, वो है चेक दिस इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी और नॉट. ट्रू बोलना चाहिए बार बार आपको, बस ये चेक करना था मेरे को. बिल्कुल सही है, बहुत सही डायरेक्शन में जाते हुए. तो हमने सक्सेसफुली हमारा इनकम स्टेटमेंट एंड हमारा बैलेंस शीट प्लॉट कर लिया है फॉर द ईयर विच इज अंडर कंसिडरेशन. अब सर बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की. तो अब देखो इसमें तो कैश फ्लो कितना छोटू सा दे रखा है उसने. तीनों उसने नेट दे दिए और बोल दिया नेट कैश फ्लो है. ये तो बहुत बकवास सी चीज़ है. तो मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा, मतलब शीट का नाम दूंगा कैश फ्लो डेटा. ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे होगा. मैं स्क्रीनर ही ओपन करूँगा. ओपन द स्क्रीनर, कम डाउन. मैं इसको पूरा पॉपुलेट करूंगा ऐसे. ठीक है, जब ये चीज़ आपकी पॉपुलेट हो जाएगी तब आप यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे, माउस को पूरा ड्रैग करते हुए नीचे तक लेके आओगे, कॉपी करोगे. और यू नीड टू मेक श्योर दैट आपको एक कॉपी हमेशा B2 में करना है और सिलेक्शन वैसा ही रखना है.
क्यों? क्योंकि ये मेरा रॉ डेटा बनेगा, ठीक है, ये मेरा रॉ डेटा बनेगा, और ये चीज़ थोड़ी सी आपको एडजस्ट, इससे बेटर है कंट्रोल ऑल्ट वी करो और टेक्स्ट पे ले आओ। ओके नाउ परफेक्ट, बिल्कुल सही, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी करनी पड़ेगी बार बार, बट ठीक है, आई एम टोटली ओके विद दैट। मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा एफर्ट वेफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी, बस अब और क्या कदम कदम बढ़ाए जाओ। कॉपी पेस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको बोल्ड। हाँ जी, अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस से लेकर के डायरेक्ट टैक्सेस तक सब कुछ ऑल्टी करके मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इफ एरर, आई गो टू द कैश फ्लो डेटा, आई गो ओवर हियर, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके सर, ये क्यों भूल जाते हो बार बार? चलिए जी, इसको नीचे तक खींच के ले आइए एंड साथ में इसको इधर तक खींच के ले आइए। परफेक्ट, व्हाट आई विल डू इज कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ओवर हियर। नाउ यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज कमिंग एज इट इज इंटेंडेड टू। तो बेसिकली वील स्टार्ट विथ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस एंड वील रिड्यूस द इन्वेंट्रीज, वील रिड्यूस द रिसीवेबल, वील रिड्यूस द इन्वेंट्रीज, वील एड द पेमेंट्स एंड अदर वर्किंग कैपिटल आइटम का एडजस्टमेंट होगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस होंगे, डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर फिर से एक बार नीचे इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऊपर बार बार रिपीट हो रहा ना, इट वॉन्ट लुक गुड। यप, ठीक है। नाउ वंस दैट इज बीन डन, व्हाट आई वांट इज कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है भाई। L4 मार्च 2022 में ये फिर 2666 क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पर? ओके, गड़बड़ समझ में आ रही है। कैश फ्लो का डेटा 11 से अवेलेबल है, नॉट फ्रॉम मार्च 13। तो मेरे को ई से स्टार्ट करना पड़ेगा, माई स्टार्ट पॉइंट शुड बी ई। हाँ जी, सो माय मार्च 2013 का सब होता है यार, सब चैलेंजेस आएंगे, इसे ओवरकम करना है आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिल्कुल सेट हो चुका है। अब व्हाट आई विल डू इज़ मैं एक लाइन छोड़ूंगा एंड आई विल कम टू फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर ले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर लो, जो भी पहले दे रखा है वो कर लीजिए।
बोल्ड करा, कैश फ्लो डेटा में गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर ये यहाँ से आपको फिक्स एसेट परचेज और सेल से स्टार्ट करना है। ये पूरे के पूरे प्लॉट बनेंगे वहाँ पर, कॉपी एंड आई जस्ट डू दैट कंट्रोल वी एंड पेस्ट, ओके, इफ एरो, कैश फ्लो डेटा 13 से लेना है ई कॉलम से, एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम E13, आर्ग्यूमेंट जी, परफेक्ट, कॉपी, सर ये तो नेगेटिव में आ गया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो नेगेटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव में थोड़ा ना आना चाहिए, आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना किसी चीज़ में, नेगेटिव ही अच्छी लगेगी। नाउ जी एक बचती है मेरी लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यस, सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मैं सीधे यहां पर जाऊंगा, प्रोसीड फ्रॉम शेयर से लेकर के नीचे तक, नॉट नीचे तक, इधर तक ले आऊंगा, नेट कैश फ्लो नहीं, इक्वल टू इफ एरो, कैश फ्लो डेटा, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स एंड मास 13 इस कॉलम ई एंड प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स, ओके, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ओके, कॉपी करवा, चलिए इसको अब हम टोल भी कर देंगे एंड यहां पर आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो, नथिंग बट दिस प्लस दिस प्लस, हाँ जी कॉपी, अभी तक हमने जो करा है ना, हमने क्या करा है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स को यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ओके, एंड ये पूरा का पूरा सुंदर तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से इसको यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करी है, तो आप देखो एकदम नीट और क्लीन और एकदम प्रोफेशनल लुकिंग मॉडल आपके सामने आपको दिख रहा है बनता हुआ, ओके। नाउ वंस दैट इज बीन डन राइट एंड यू कैन ईजिली नेविगेट राइट, ये मेरा बैलेंस शीट है, ये मेरा इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है एंड दिस इज माई कैश फ्लोस। इसका क्या यूज है, मैंने आपको ये क्यों ऑटोमेट करवाया, ठीक है, क्यों हमने बार 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 इफ एरर यूज़ करा, ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं फाइल को सेव करता हूँ मेरे डाउनलोड्स में जाके और मैं इसको करता हूँ टाटा मोटर का टामो FS एनालिसिस, ये करके फाइल सेव करूँगा, सेव कर दिया मैंने फाइल। ना अब सर आपको क्या करना है, अब आपको वापस अपने स्क्रीनर पे लौटना है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको फिर screener.in पे लौटना है और आपको स्लैश करके एक्सेल
करना है, ये कहीं से भी पाथ, ये पाथ हमेशा आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, screener.in/excel/backslash जो बोलना है वो बोल दो। अब जो फाइल हमने सेव करी है ना, वो फाइल कौन सी है, टामो की फाइल है ये, टामो फाइनेंशियल एनालिसिस, इसको अपलोड कर देना है। आपने एक बार उसको अपलोड कर दी, वाजी वाह, आपके तो वारे ही नहीं आ रहे हो गए, ठीक है, अब ITC करो, एक्सपोर्ट करो, ITC एक्सपोर्ट हो गया। अरे इनेबल करो, क्या बात है, क्या ITC का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास आ चुका है पूरा बनने के बाद, मतलब क्या सर ये एक ही बार मुझे करना है पूरी लाइफ में? हाँ जी, एक ही बार करना है, आप समझ रहे हो, सब कुछ ऑटोमेटेड सेट है बॉस, एक्सेप्ट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने हार्ड कोड करी है, टाटा मोटर्स की है, तो आपको एक काम और करना है बस छोटा सा, वो ये करना है कि आपको ITC में जाना है, नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना है, ये सारे के सारे कैश फ्लो के बॉक्सेस आपको ओपन करने हैं, ठीक है, यहाँ से आपको माउस को पूरा का पूरा लेके जाना है नीचे तक, कॉपी करना है, इधर आना है, यहाँ पर आना है B2 में, Ctrl+Alt+V ठा। सर तो इसका क्या मतलब है कि मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सेट हो गया है? हाँ भाई हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सेट हो गया है, हाँ भाई हाँ, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करा दोगे? बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पर नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ कैसे नहीं होगा, थोड़ा सा वो देख लेना, जैसे इसमें इन्वेस्टिंग इन सब्सिडरीज वगैरह ये एडिशनल आए तो शायद कैश फ्लो थोड़ा हिल गया हो, बट बाकी मेजॉरिटी 99.99% ऑफ द टाइम एवरीथिंग इज बीन सेट ओवर हियर। अगर मुझे कैश फ्लो में थोड़ा एडिशनल एफर्ट लगता भी है तो भी मैं लगा लूँगा, कैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 15776, तो क्या 15776 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मेरे को समझना है क्यों नहीं आ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉफिट, ओके, डायरेक्ट टैक्सेस, ये सब तो सही था, बट यहाँ पर 8 आइटम हैं और यहाँ पर 7 आइटम हैं, तो कुछ एक चीज़ है जो मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है वो देख लेते हैं। रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेबल, अदर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस, पेबल्स, लोन एडवांसेस वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर लोन एडवांसेस नहीं है, तो ये जो आपने करा है ना, इसको इधर जाके देखो कहाँ से उठाया है, तो अदर वर्किंग कैपिटल को लोन एडवांसेस जैसा ट्रीट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन एडवांसेस नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर नहीं है ना लोन एडवांसेस, तो मत करो ना उसको, उसको ज़ीरो छोड़ दो, अदर वर्किंग कैपिटल ना, क्या अब मेरे आइटम टैली हो रहे हैं? एक बार चेक कर लेता हूँ, अभी भी टैली नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो समझ लेते हैं। 15776, अच्छा जी मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम आ रही है, वही पुरानी प्रॉब्लम, C8 से लिया है आपने, आपको E8 से लेना है, sometimes you do so obvious errors when you feel overconfident. 15767 बराबर है, चलेगा, ऐसे टैली कर लो, 15676 परफेक्ट। नाउ आई विल कम टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मेरे कितने आइटम आ रहे हैं, मेरे 12 आइटम्स हैं, उनके कितने आइटम आ रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, उनके 10 आइटम आ रहे हैं, ठीक है, तो कैश, फिक्स्ड एसेट परचेज, फिक्स्ड एसेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज, इन्वेस्ट इन ग्रुप, देख लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कुछ इशू आएगा, चलो देखते हैं। रिडम्पशन एंड कैंसिलेशन, और उसके बाद सीधे अदर इन्वेस्टिंग आइटम है, तो रिडम्पशन एंड कैंसिलेशन एंड अदर इन्वेस्टिंग आइटम, ये दोनों वहां पर नहीं है, तो इसको जीरो कर दो, यप, आपने जीरो कर दिया, इसको देख लो जाके, रिडम्पशन एंड कैंसिलेशन पे गिर रहा है क्या? नहीं, ये रिडम्पशन एंड कैंसिलेशन पे नहीं गिर रहा है, तो मतलब नेट नेट ये है सर कि मेरे को ये चीज बार बार करनी पड़ेगी, तो हाँ ये एक ये छोटा सा इशू है, ये बार बार कर लो, अगर ये बार बार नहीं करना चाहते हो तो जो आपका
छोटा वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट है उससे खुश हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कहाँ तक खींच के ला सकता हूँ, मैं इधर तक तो लेके आ ही सकता हूँ इसको। बस इन्वेस्टमेंट पर चाहे इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अदर कैंसिलेशन, एक्विजिशन, ये दोनों नहीं है और ये है सीधा। मैं इसका फॉर्मूला पेस्ट करूँगा, E23 है अदर इन्वेस्टिंग आइटम, अदर इन्वेस्टिंग आइटम जबकि E23 नहीं है, इट इज़ E21 है। परफेक्ट हो गया, सेट हो गया सर, पूरा सेट हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं होगा तो फिर से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2238 आ रहा है 2022 में, परफेक्ट हो। राइट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लेकिन आप समझो ना, ये एफर्ट उस एफर्ट के सामने तो बहुत कम है ना, कि आप एक एक करके हार्ड कोड कर रहे हो हर कंपनी का। राइट, विल सी, हम फिर देखेंगे, डोंट वरी। फिनेंसिंग एक्टिविटी सबसे लास्ट बचती है। फिनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर मेरे टोटल आइटम है 12 और मेरे पास टोटल आइटम है 9, तो यहाँ पर थोड़ा सब्सटैंशियल डिफरेंस है। प्रोसीड फ्रॉम शेयर, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, प्रोसीड फ्रॉम शेयर, रिडम्शन ऑफ डिवेंचर, प्रोसीड ऑफ बोरिंग, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग। समझ रहे हो, रिडम्शन ऑफ डिवेंचर एक नई चीज़ इधर आ रही है ITC के अंदर, मतलब टाटा में थी बट इट इज़ नॉट इन ITC बिकॉज ITC मस्ट हैव नॉट रिडीम्ड एनी डिवेंचर, तो इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा। परफेक्ट, और E26 है, इसके फॉर्मूला को मैं सीधे नीचे पेस्ट करूंगा फॉर्मूले से, एंड इसको मैं E27 कर दूंगा। अरे E2 नहीं, E27 क्या कर रहे हो। हाँ जी, 3592 आ रहा है क्या, 3592 कोशिश करो देखने की, 3592। अरे नहीं भैया, ये आना चाहिए E24। प्रोसीड फ्रॉम शेयर 922, अच्छा शुरुआत ही गलत हुई है, कोई बात नहीं, शुरू से खींच दो। चलो एक्चुअली नहीं, तो इतना टाइम लगेगा वो एक एक करके देखने में, इससे बेटर है कि मैं स्टार्टिंग से ही उसको खींच दूँ। चलिए, परफेक्ट, प्रोसीड ऑफ शेयर्स परफेक्ट है, रिडिम्शन ऑफ डिवेंचर है नहीं, प्रोसीड ऑफ बोरिंग्स है सीधे, प्रोसीड ऑफ बोरिंग्स है, प्रोसीड ऑफ बोरिंग्स मेरी आ जाएगी E2 यहाँ से। हाँ जी, E24 के बाद प्रोसीड ऑफ बोरिंग के बाद रीपेमेंट ऑफ बोरिंग है, फिर इंटरेस्ट पेड, फाइनेंशियल इंटरेस्ट पेड है और डिविडेंड पेड है, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग है, तो ये दोनों को तो मैं खींच सकता हूँ सीधे सीधे नीचे। इसको मैं सीधे एक बार में ड्रैग करूँगा नीचे, तो मेरा नीचे हो गया। प्रोसीड्स फ्रॉम डिपॉजिट चेक कर लेते हैं है क्या उधर, प्रोसीड्स फ्रॉम डिपॉजिट्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है मेरे को, देयर इज़ नो प्रोसीड्स फ्रॉम डिपॉजिट इन ITC राइट नाउ। इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा एंड इसको मैं पूरा ज़ीरो खींच दूंगा। इंटरेस्ट पेड फाइनेंस है क्या, है अरे सब गायब हो जाएगा ऐसा थोड़ा ना। यस इट्स ओवर हियर, इसके बाद डिविडेंड पेड है और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, डिविडेंड पेड है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, अदर फाइनेंसिंग आइटम है, नेट कैश फ्लो आ गया सीधे सीधे ना। आपका अदर फाइनेंसिंग आइटम है ये रहा, कहाँ गया ये रहा, चेक कर लो भाई 2342। क्या गड़बड़ करी है भाई, लेट्स चेक एंड देन कंफर्म। हाँ जी, एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर,
प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, परफेक्ट. रिडम्पशन जीरो है, नहीं है. प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, ये मैंने बताया था कैसे करना है. प्रोसीड्स फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग. प्रोसीड्स फ्रॉम डिपॉजिट नहीं है, जीरो कर दिया है. इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड. डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड. फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज. अदर फाइनेंसिंग इनकम, अदर फाइनेंसिंग आइटम्स, सॉरी. या ओके, जब सब कुछ हो गया है तो फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? लेट्स जस्ट चेक. यहाँ पर थोड़ा इशू आ रहा है ये फिगर में, डिविडेंड पेड में इशू आ रहा है. लेट्स चेक. E32 से N32. ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, समझ में आया. तो अपन ने क्या करा है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर दे रहा है. लेट्स जस्ट ओपन दिस. 43 13580, ये वाला है, वो ओवरलैप हो गया एक्चुअली इसके ऊपर. तो व्हाट यू कैन डू इज एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, यार मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो फ्री अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे. आप अगर यहाँ से इससे कहीं और अच्छी तरीके से ढूंढ के ले आओ तो बहुत अच्छी बात है. ऐसा कर लो, कॉपी करो. देखिए सर कुछ हिल गया यहाँ पर. 2238 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जस्ट चेक फटाफट. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2238 परफेक्ट है. 15676 ही एक्चुअली हो. और मेरा डिविडेंड पेड, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिविडेंड पेड. ओके, तो डिविडेंड पेड का कॉलम जो था मेरा वो अभी कहाँ जाके गिरा है वो चेक करना है. ये इधर आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट, समझ गया. डिविडेंड पेड से मेरे को ठीक करना है. इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको, और ये माथापच्ची अगर आप नहीं कर सकते हो ना तो भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग मत पढ़ो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मत ज्वाइन करो. ये रोज़ का काम है आपके लिए, लिटरली मतलब डेली का काम होगा ये चीज़ करना. अगर नहीं इतनी कैपेबिलिटी है करने की तो छोड़ दो इसको, मत करो. इट्स नॉट राइट थिंग फॉर यू. यू कुड डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, डू दैट. ओके, डिविडेंड पेड के बाद नाउ मेरे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है? 13581 आना चाहिए. यस वल्लाह. हाँ जी, तो अभी ITC का हो गया, ITC का सेव कर दो. सर क्या मैं किसी और कंपनी का अरे दुनिया की किसी कंपनी का निकाल लो यार, DMart का निकाल लो. चलो एक्सपोर्ट टू एक्सेल करो, ओपन करो, इनेबल करो. ये एवेन्यू सुपरमार्ट की बन के आ गई पूरी की पूरी. कैश फ्लो स्टेटमेंट ही तो चेंज करना है आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही तो चेंज करना है. अगर वो भी नहीं करना है तो वो भी आप नॉर्मल वाला ले लो, ये वाला ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ना है, कुछ बोला थोड़ना है, आप ये वाला ले लो, ठीक है. सो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अगले सेशन में हम समझेंगे कि हम रेशियोज एनालिसिस और दूसरे इस पे एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद वाले सेशन में हम सीधे DCF पे जंप करेंगे, ठीक है. अजम्पशंस प्लॉटिंग देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम विल स्टार्ट विद DCF. नेक्स्ट वीक तक आई होप आपका DCF हो जाना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 6th सेशन के आसपास. तो अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो. यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. और ये जो एक्सरसाइज फाइल है, सोल्यूशन वाली फाइल है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसको रेफर करते जाना, आगे बढ़ते जाना. थैंक यू सो मच, दिस इज़ पार्थ वर्मा, बाय बाय. और हाँ, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो मैं दिखा रहा हूँ, इधर होगा या इधर होगा वो देख लो, एंड स्क्रीन पे आ गया होगा. बाय बाय.